पकोड़े नहीं मारे, प्याज तलना है। ओए नहीं, अब तो पकोड़े तो पहले बन रहे थे, अब तो प्याज तल जाएगी। और मुझे सर बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे के साथ काम के अंदर जो बात है, और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सर के साथ। चलो आ जाओ। वो जमशेद भाई जिस तरह इसमें कोशिश काविश कर रहे हैं, वो अच्छे से रोज़ा भी अफ्तार किया और अब डिनर है और वो खाना भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, जैसे कि हमने पिछले जुमे को अफ्तार और डिनर का प्रोग्राम किया था, तो इस दफ़ा वकार मुतवा साहब मेरे रबते में थे और उन्होंने एक साहब की तरफ से ये आज अफ्तार और डिनर का अहतमाम कराया है और उन साहब ने अपना नाम लेने के लिए मना किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, यहाँ पर काफ़ी क्राउड इस वक्त जो मर्दों और मदरसों का, बाहर बच्चे खड़े हैं, अभी आ रहे हैं और यहाँ पर एहतमाम ज़ोरों शोर से जारी है। और जो हमारी वॉलंटियर हैं उनका भी जोश व खरोश अरूज पे है, पकौड़े बना रही हैं बड़ी उससे, और सबका रोज़ा है और तंदही और दिलचस्पी के साथ काम को सर अंजाम दे रही हैं। तो जैसे अफ्तार होता है तो मैं आपको इंशाल्लाह और एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। पानी है ना, पानी वानी का इंतजाम थोड़ा सा है, बच्चों को बता नहीं होगा, कल बच्चों को लाने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे नहीं आएंगे तो हमें खुशी किस तरह होगी। पकोड़े नहीं मारे, प्याज तलना है। ओए नहीं, अब तो पकोड़े तो पहले बन रहे थे, अब तो प्याज तल जाएगी। ये प्याज के गोले हैं, पकौड़े बना रहे, पहले प्याज तल रहे थे, बेसन खत्म हो गया था। इस वक्त अफ्तार का टाइम हो चला है और मासूम मासूम बच्चे अपना रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं जैसा कि देख लें। और जो एहतमाम किया गया है जिन साहब की तरफ से, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा करे, उन्हें बरकत दे और उनकी सेहतियाबी अता फरमाए उनके तमाम घर वालों को रब्बुल आलमीन। तो ये चीज़ें हैं और उधर मदरसे के भी बच्चे बैठे हुए हैं, उधर मर्द हजरात भी बैठे हुए हैं, तो जहाज़ेब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। जहाज़ेब खजूर लेके आप भी रोज़ा खोल लो, एक शॉर्ट तो बना रहे हो। हेलो हेलो, कौन? चलो आ जाओ, आ जाना आ जाओ। हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर देखें, अल्लाह के हुक्म से हमारा अफ्तार का कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। और आपको जैसा कि देखने को मिला कि अफ्तार में लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, सब अपने तौर पे बहुत मुतमईन होकर रोज़ा खोला और उन लोगों के लिए दुआगो हुए जो इस वक्त डोनेशन वगैरह करते हैं। तो और हमारी वॉलंटियर, अल्लाह ताला इनको और जोश व खरोश दे, जज्बा दे, अपने जज्बे से इन्होंने काम किया, रब्बुल आलमीन इनके जज्बे को कबूल फरमाए। अच्छा, कारी साहब भी मदरसे के बच्चों को लेकर आए। अच्छा, दुआओं का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। जो हमारे डोनर हैं, जो हमारे वीडियो को देखने वाले हमारे व्यूअर हैं और जितने भी बीमार हैं या जितने भी दुनिया से रुखसत या जा चुके हैं, मरूमीन हैं, उनके इसाले सवाब के लिए भी दुआएं होती हैं, बीमारों के लिए भी दुआएं होती हैं। और जो लोग हमें डोनेशन देते हैं
उनके अल्लाह ताला उनके रिस्क को कुशादा करे, उनके लिए भी दुआएं होती हैं। इससे मुतालिक हमारे कारी साहब बयान करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है। माशाल्लाह रोज़े की अफ्तारी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा अहतमाम किया गया था। खाली अफ्तारी में खजूर पानी नहीं था, माशाल्लाह तमाम फ्रूट थे। और जो हमारे जमशेद भाई के साथ वॉलंटियर होती हैं, इन ख़वातीन ने, बच्चियों ने, सब ने बहुत दिलजोई से काम किया। अल्लाह ताला सबके नेक अमाल को, नेक कोशिशों को कबूल फरमाए। और जितने भी हमारे डोनर्स हैं वो जो अपने लिए दुआओं के लिए कहते हैं, उनके लिए दुआएं सेहत भी होती है। उनकी जितनी मुरादें हैं अल्लाह ताला तमाम को पूरा फरमाए। मदरसे में मासूम बच्चे जो कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उन हजरात के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआएं सबके हक़ में कबूल फरमाए। और जितने डोनर्स हैं उनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए, ताकि ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता रहे। इसको अल्लाह ताला मज़ीद इसको ता क़यामत जारी और सारी रखे। और जमशेद भाई जिस तरह इसमें काविश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। और जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं जो हमारे साथ हैं, जितने मुआविनीन हैं, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला सबको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सबके लिए दिल से दुआएँ हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का वैसे ही जुमा है, और अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का जो जुमे की साद आती है, तो अल्लाह ताला उन 10 लाख अफराद को बख्श देता है जो गुनाहगार होते हैं। तो अल्लाह ताला उनमें हमारे डोनर्स के, हमारे तमाम अहलो हयाल के तमाम के नाम शामिल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है सबको सेहतियाबियाँ अता फरमाए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआएँ सबके हक़ में कबूल फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह जमशेद भाई। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा विवर, तो एक बात और है कि दुनिया में जो भी हमारे पास दौलत होती है और जो भी अशिया होती है, तो हम ये दुनिया में ही छोड़ जाते हैं, तो हम लेके क्या जाते हैं? हम यही अमाल अपने लेके जाते हैं जो हम खुशियाँ बांटते हैं। लोगों की दुआएं हमारे साथ जाती हैं आखिरत में। और अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी भी आती है, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करके उन बीमारियों से हमें निजात दे देता है, मुसीबतों से निजात दे देता है। तो इसमें बड़ी गहराई है। हम दुनिया के लिए तो कर ही रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम इन लोगों के लिए कर रहे होते हैं तो मुझे जितना ज़हनी और कल्बी सुकून होता है, और मुझे अल्लाह की पाक दास से पूरी उम्मीद है कि जो लोग करते हैं उनको भी कल्बी सुकून बहुत मिलता होगा। तो मैं फिर मशकूर हूँ उनका कि जिन्होंने अपने नाम बताने से मना किया, और वकार मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि उनके तरफ से कर दें, तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा ले रब्बुल आलमीन। अब खाने का सेशन शुरू होता है और खाना शुरू करते हैं हम अल्लाह के हुक्म से, तो हमारे साथ रहिएगा। जो हमारी वॉलंटियर हैं अपने बच्चों के हमरा सर्विंग कर रही हैं, इनके जज्बे को देखें और कदर की निगाह से देखें कि बच्चा भी संभाला हुआ है और हमारे लोगों के लिए जो है वो सर्विस भी फराहम कर रही हैं। अल्लाह ताला इनके जज्बे को भी कबूल फरमाए। हम उनको ऑफ़र करते हैं कि मदरसे के बच्चे आ जाए, और क्योंकि अभी रोज़ा अफ्तार हुआ है तो मेरा ख्याल है नमाज भी हो रही करीबी मस्जिद है। तो अभी वाली हमारी वॉलंटियर हैं वो, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि बच्चों को लेके बड़े जोश व खरोश से काम कर रही थी। अल्लाह ताला इनके जोश व खरोश को कायम रखे। हाँ इमराना बताओ कैसा लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा, और मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि मैं इस काम में मदद कर रही हूँ सर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ है। और मुझे सर बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे के साथ काम के अंदर कि जो बात है, और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सर के साथ। मज़ा आ रहा है, अल्लाह ताला ऐसे नए कामों में हम लोगों को शामिल रखे, ठीक है। और आज अफ्तारी कैसी थी? आज अफ्तारी का ये मेहमान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, और अफ्तारी बहुत अच्छी थी। खाना भी तुमने चखा नहीं होगा ना अभी, तो तुम सर्विंग अफ्तारी अच्छी थी, अफ्तारी चखी है। चलो बैठ के खाना भी खाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम तुम्हें पसंद आया? जी सारा सिस्टम बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छा सिस्टम अच्छा हुआ, और अफ्तारी का सिस्टम बहुत अच्छा हुआ था। बच्चे ने तंग तो नहीं किया? बच्चे ने तंग किया पर हमने एडजस्ट कर लिया। अच्छा चलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। देखें अभी तो व्यूअर ये देखें, ये हमारे वॉलंटियरों के जो है ना ये जज्बे होते हैं, अल्लाह ताला इस जज्बे को कायम रखे। और ये 12 रोज़ा बच्चे को लेकर आई हुई थी दोपहर से, तो ये 12 रोज़ा थी क्योंकि हम लोग बाहर के पकौड़े वकौड़े नहीं करते,
सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट पकौड़े के सारे लेकर आते हैं, वो हमें महंगे तो पड़ते हैं जी, पर हम खुद जो बनाते हैं ना वो ज्यादा सही है, क्योंकि बाहर के कैसे हैं कैसे नहीं, तेल कैसा है, तेल कैसा है कैसा नहीं है, और हम बनाएंगे सफाई से हमें पता है हम किस तरह से बना रहे हैं, बाहर से कैसे बने कैसे नहीं। तो अब ऐसा है कि कभी इमराना मेरे साथ होती हैं तो कभी बानो मेरे साथ होती हैं, ये सारे सामान को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये कोई ना कोई मेरे साथ होता है सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में। जब जाके सारे दिन की मेहनत के बाद जब हम लोग बिल्कुल ही समझ लें कि निढाल हो जाते हैं थक कर, और इन लोगों का रोज़ा मेरे जाहिर सी बात चल रहा होता है, तो रोज़े की हालत में ये फिर अपने बच्चों को भी संभालना और काम करना, तो ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। अल्लाह ताला इनको और ऐसे कामों में आगे करे रब्बुल आलमीन। तो आज का जो हमने अभी तक अफ्तार और खाना वगैरह करा दिया है, तो उससे मुतालिक फिज़ा कुछ बताना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, और यहाँ देखें इतना अच्छा माहौल है, और जो रोज़दार हैं जो बेचारे मुस्तहिकिन रोज़दार हैं तो वो अच्छे से रोज़ा भी अफ्तार किया और अब डिनर है और वो खाना भी खा रहे हैं। तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगी जितने जो हमारे डोनर हैं जो दूर रह कर भी हमारा ख्याल रखते हैं और इन मुस्तहिकिन के लिए सोचते हैं, और देखें ये रोज़दार हैं, ये सुबह से जब रोज़ा रखते हैं तो इनको उम्मीद नहीं होती, इनके दस्तरखान पे ये सब एशिया नहीं होती, और जब ये पहला खजूर से और जो भी हमारे पास जो चीज़ होती है उससे रहते हैं, तो सोचें कितनी उनके लिए दुआ निकलती होगी इनके दिल से, और ये दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत नवाजे और अल्लाह पाक ऐसे वो सब हम सब का बहुत ख्याल रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह विवर, तो ये था ये हमारे वॉलंटियरों का जो जज्बा था वो आपको हमने बयान कर दिया, और ये अभी भी पूरी उम्मीदें और जज्बे से, क्योंकि ये इन इलाकों में रहती हैं और इनको पता है कि यहाँ के लोग इनको पानी से रोज़ा खोलते हैं और कुछ चीज़ मैसर होती है या नहीं होती, किसी के घर तो, सर खजूर भी नहीं होती तो नमक से रोज़ा और जो चीज़ होती है तो शुक्र करके खा लेते हैं ये लोग, लेकिन ये जब ये यहाँ चिकन बिरयानी होती है और जो ये फ्रूट्स वगैरह, तो ये इनके चेहरे की खुशी आप लोग देखें, ये बहुत खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी खुशियों के साथ साथ जो लोग कर रहे हैं उसको भी इसका जो है जज़ाए खैर अता फरमाए रब्बुल आलमीन, और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो खाने का सेशन अभी भी शुरू है, जहाँ से दिखाओ उधर भी लोग खाने में मसरूफ़ हैं। इसके बाद जो है हमारी वॉलेंटियर जो हैं वो खाएंगी, बच्चे मदरसे के सब अल्लाह का शुक्र है कि सब बिजी हैं। थाल ले जाना फटाफट। तो अल्हम्दुलिल्लाह विवर देखें खाने का भी सेशन कंप्लीट हो गया, अब ये क्योंकि ख्वातीन वगैरह बहुत सारी तादाद में ज़्यादा थी तो उनको भी निपटाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे वॉलंटियरों ने खाना नहीं खाया, ठीक है। और जो कारी साहब आए हुए हैं वो भी हमारे साथ मसरूफ़ हो गए हैं, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों से पूछ रहे हैं वो कि खाना खाया नहीं खाया, चेक कर रहे हैं वो। तो मदरसे के बच्चे जितने भी आए हुए हैं उनको भी देख रहे हैं। अच्छा कारी साहब का भी मदरसा है और बच्चे जो हैं वहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, और ये इन्हीं बच्चों से हम दुआएं भी करवाते हैं, और कारी साहब का ताबुन और हमारा ताबुन कारी साहब के साथ रहता है। तो क्योंकि कारी साहब को भी देख के बहुत खुशी हुई कि हम लोग इस किस्म के काम में जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बेहद उनको खुशी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि जिन साहब ने ये काम किया है और अपना नाम बताने से मना किया है, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा करें, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके लिए खुशहाली अता फरमाए, उनके लवाकिन को खुशहाली अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसके साथ इंशाल्लाह देखें कल भी एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, जब तक मुझे दें इजाज़त। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।